रायपुर में भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने झीरम घटना को लेकर कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ऐसा होता है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, तब कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। देखिए, अगर एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है तो आरोप लगना स्वाभाविक है। भाजपा के 10-10 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। पखांजूर का मामला किसी से छुपा नहीं है। जब पखांजूर में अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव आना था और हमारे उपाध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, और वहां पर कवासी लकमा सीधा कहते हैं तीर कमान चलाओ, तो ये इनकी हिंसक मानसिकता है, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही ना। उनके पास कोई जवाब है तो वो बताए।